मैं हूं नुमान सतार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कैनेडियन हुकूमत ने सूबों के साथ सेहत की देखभाल के लिए 10 साल मंसूबे का ऐलान कर दिया। विफाक की जानिब से $196 बिलियन खर्च किए जाएंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ये मुस्तकबिल की एक अहम सरमायाकारी है। कनाडा की जानिब से जलजले से मुतासर शाम और तुर्किया के लिए $10 मिलियन की इमदाद का ऐलान। कैनेडियन वजीर का कहना है कि हम मदद के लिए किसी भी ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं। शाम में जारी खाना जंगी इमदादी कार्रवाइयों को पेचीदा बना रही है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो शहर में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों की पेशेंगोई। शहर में 90 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। तेज हवाएं कमजोर तनसीबात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में डकैती मजाहमत पर पाकिस्तानी निजात पुलिस अफसर अदीद फयाज जा बहक। अदीद फयाज 5 साल से न्यूयॉर्क पुलिस में तैनात थे। न्यूयॉर्क पुलिस का सोशल मीडिया पर नौजवान अफसर की मौत पर दिली ताजियत का इजहार। तुर्की और शाम में जलजला अमवात की तादाद 8,000 से जायद हो गई। वबाई अमराज फूटने का खदशा। हकाम का कहना है कि खराब मौसम और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। सख्त सर्दी में लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत आइंदा 10 सालों के दौरान सेहत की देखभाल पर $196.1 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत आइंदा 10 सालों के दौरान सेहत की देखभाल पर $196.1 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार है, जिसमें पहले से बजट में रखे गए फंड्स में से $46.2 बिलियन के नए अखराजात भी शामिल हैं, जिसके बदले में सेहत की देखभाल के डेटा इकट्ठा करने और डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने के वादे किए जाएंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि सेहत की देखभाल के लिए ये ना सिर्फ हाल में बल्कि मुस्तकबिल में एक बड़ी सरमायाकारी है। यह मुआहदा, जिसे वफाकी हुकूमत ने एक कमज़ोर निज़ाम के लिए एक नस्ली हल के तौर पर पेश किया है, इसका आगाज़ सूबों और इलाकों के लिए कनाडा हेल्थ ट्रांसफ़र के तहत गैर मशरूत $2 बिलियन के इजाफे के साथ किया जाएगा, जिसे वफाकी हुकूमत सेहत की देखभाल के निज़ाम पर दबाव, खासतौर पर बच्चों के अस्पतालों, एमरजेंसी रूम्स और जराही और तशखीसी बैकलॉग में इजाफे के तौर पर देखती है। ट्रूडो की तजवीज़ में अगले 5 सालों के लिए HET में सालाना 5% इजाफा भी शामिल है, जिसके बाद के सालों में मुस्तकिल तौर पर फंडिंग में इजाफे के लिए एक बुलेटिन मेकानिज़म भी रखा गया है। ट्रूडो के साथ मुलाकात के बाद सूबे के वज़रा आला का कहना था कि वो वफाकी हुकूमत की तजवीज़ का जायज़ा लेने के लिए वक्त निकालना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत को इजाफी रकम फराहम करते हुए देखना चाहेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिन ट्रूडो से मुतअद्दिद बार पूछा गया कि क्या वो मजीद रकम की पेशकश करने को तैयार हैं या ये तजवीज़ उनकी हतमी पेशकश है। उन्होंने कहा कि ये वो पेशकश है जो हमने मेज़ पर रखी है। ये वो अरबों डॉलर हैं जो सूबों के लिए मौजूद हैं और हम यकीनी तौर पर उनके साथ मिलकर काम करने के मुंतजर हैं, ताकि ना सिर्फ ये रकम फराहम की जा सके बल्कि मुल्क भर के शहरों को सेहत की देखभाल में बेहतरी लाई जा सके। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत सूबों और उनके अपने हालात से निपटने में मदद करने के लिए लचकदार होगी, लेकिन यह कि सूबों को दिखाना होगा कि उनके पैसे कैसे खर्च किए जाएंगे और वो तरजीही शोबों में पेशरफ्त कैसे दिखाएंगे। ट्रूडो ने कहा कि मालियाती पेशकश एक अहम बड़ी रकम है। यह हुकूमत की माली पोजीशन की बुनियाद पर की गई थी।
ये जानते हुए कि कुछ सुबह पहले ही बजट में इजाफा देख रहे हैं। कनाडा की जानिब से तुर्किया और शाम को जलजले से निमटने के लिए $10 मिलियन की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से तुर्की और शाम को जलजले से निमटने के लिए $10 मिलियन की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया गया है। कनाडा के बैन अल-अक़वामी तरक्की के वजीर हरजीत सज्जन का कहना है कि विफाकी हुकूमत तुर्की और शाम को जलजले के बाद इब्तदाई $10 मिलियन की इमदाद फराहम करेगी, जिसमें दोनों ममालिक में हजारों अफराद हलाक हुए थे। सज्जन का कहना था कि हुकूमत तिब्बी और सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की तैनाती पर भी गौर कर रही है, लेकिन इससे पहले खित्ते में अक़वामे मुत्तहिदा की डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों से अंदाजा हासिल करना होगा। उनका कहना था कि अभी हम मालूमात हासिल कर रहे हैं जिनके तहत इमदाद फराहम की जाएगी, हम किसी भी ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं। हरजीत सज्जन का कहना था कि शाम में जारी खाना जंगी एक पेचीदा अंसर है। कनाडा की जानिब से शाम के लिए पहले ऐलान करदा $50 मिलियन की इमदाद जलजले से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों में मदद कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि शाम में कैनेडियन इमदाद मुल्क में बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस तंजीम सीरियन अरब रेड क्रिसेंट के जरिए फराहम की जाएगी। एनवायरमेंट कनाडा ने खबरदार किया है कि जुमेरात की रात जनूबी ऑन्टारियो में बारिश, ज़ालाबारी, तेज़ हवाएं और यहां तक के बर्फबारी भी हो सकती है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो शहर में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। एनवायरमेंट कनाडा ने खबरदार किया है कि जुमेरात की रात जनूबी ऑन्टेरियो में बारिश, मुंजमिन बारिश, तेज़ हवाएं और यहां तक के बर्फबारी भी हो सकती है। एनवायरमेंट कनाडा ने शहर के लिए मौसम का एक खसूसी बयान भी जारी किया है, जिसके मुताबिक जुमेरात के रोज़ शाम तक शहर में 15 से 25 मिलीमीटर बारिश और 70 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जनूब मगरबी हवाएँ चलने का इम्कान है। एरी झेल के निचले इलाके की तरफ तेज़ हवाओं की तवक्को है। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि बारिश जुमेरात के अवायल में जनूब मगरबी ऑन्टेरियो में शुरू होगी, जो दिन भर शुमाल मशरक की तरफ बढ़ेगी, जबकि इस दौरान थोड़ी देर के लिए मुंजमिन बारिश का भी इम्कान है। एजेंसी का कहना है कि तेज़ हवाएं कमज़ोर तनसीबात को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे दरख्तों की शाखें टूट सकती हैं, जबकि बिजली की बंदिश का भी इम्कान है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में डकैती मुज़ाहमत पर ज़ख्मी होने वाला पाकिस्तानी निजात पुलिस अफसर अदीत फयाज़ दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में डकैती मज़ाहमत पर ज़ख्मी होने वाला पाकिस्तानी निजात पुलिस अफसर अदीत फयाज़ दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साला अदीत फयाज़ को हफ्ते को डकैती की मज़ाहमत पर उस वक्त सर में गोली मारी गई जब वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से पुलिस अफसर फयाज़ अदीत पर गोली चलाने वाले मुलजिम को 6 फरवरी को अपस्टेट न्यूयॉर्क के इलाके से गिरफ्तार किया गया था और मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदीत फयाज़ 5 साल से न्यूयॉर्क पुलिस में तैनात थे। फायरिंग के बाद अदीत फयाज़ 3 दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहे। उन्होंने सोगवरान में बीवी और 2 बच्चों को छोड़ा है। न्यूयॉर्क पुलिस ने सोशल मीडिया पर नौजवान अफसर की मौत पर दिली ताज़ियत का इजहार भी किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदीत फयाज़ हफ्ते की शाम अपने बहनोई के हमराह एक कार खरीदने के लिए ब्रुकलिन में किसी से मिलने गए थे, जहाँ खरीदार जाली निकला और उसने उन्हें लूटने की कोशिश की। तुर्की और शाम में तबाहकुन जलजले से अमवात की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई। तुर्किया में 6,000 और शाम में 2,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। तुर्की और शाम में तबाहकुन जलजले से अमवात की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई है। तुर्किया में 6,000 और शाम में 2,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 23 लाख से ज्यादा हो सकती है। मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जलजले से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया, जो कि 14 मई को होने वाले इंतखाबात से कबल खत्म हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले के बाद मलबे तले अब भी मुतादिद अफराद के फंसे होने का खदशा है। उन्हें निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बाइस मुतासरीन को कठिन हालात का सामना है, जबकि इमदादी कारकुनों को कार्रवाइयों में मुश्किल पेश आ रही हैं। तुर्किया में इमारतों के मलबों से 8,000 से ज्यादा अफराद को निकाला जा चुका है। इमदादी अहलकारों ने शाम की सूरत हाल के बारे में तशवीश का इजहार किया है, जो पहले ही तकरीबन 12 साल की खाना जंगी के बाद इंसानी बहरान से दोचार है। जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैकड़ों अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। सख्त सर्दी में लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। जलजले से मुतादिद इलाके मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। सड़कें और मवासलात का निज़ाम तबाह होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। हुकाम ने अमवात ने इजाफे का खदशा जाहिर किया है। तुर्क वजीर सेहत के मुताबिक जलजले से 32,000 के करीब अफराद जख्मी है और मुतासर इलाकों में 5,775 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। जलजले में मरने वालों में 57 फलस्तीनी भी शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि जलजले के बाईस हलाकतों में इजाफा हो सकता है, जबकि जलजले और आफ्टर शॉक से बाद हलाक होने वालों में हजारों बच्चे भी शामिल हो सकते हैं।
टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए टैक टीवी।